हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल सिविल फील्ड इंजीनियर। दोस्तों, आज मैं एक फिर से नई वीडियो लेकर आया हूँ। ये वीडियो है सब ग्रेड के ऊपर। सब ग्रेड तो आपको सबको पता है, लेकिन सब ग्रेड करते समय कौन से टेक्निकल पॉइंट हैं जो एक सिविल इंजीनियर को पता होने चाहिए साइट पर, और ये वो टेक्निकल पॉइंट है जो हर इंटरव्यू में पूछे जाते हैं हर सिविल इंजीनियर से। तो वीडियो को स्किप मत करना, ठीक है। हमारा आज का टॉपिक क्या है? सबग्रेड, टेक्निकल स्पेसिफिकेशन सबग्रेड। सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ सबग्रेड के बारे में, सबग्रेड होता क्या है, ठीक है। सबसे पहले जो आती है हमारा, ये है, ये हमारा ग्राउंड लेवल है। इसके ऊपर पहले हमारा कई जगह ऐसे आती है, यहाँ एम्बैंकमेंट भी आती है, ठीक है। सबग्रेड के नीचे एम्बैंकमेंट की लेयर आती है। इसके ऊपर आता है सबग्रेड, ठीक है। सबग्रेड, सबग्रेड का काम क्या है? सबग्रेड का काम ये है, जैसे सबग्रेड के ऊपर मान लो ये आ गई GSB, ठीक है। इसके ऊपर आ गया WM, इसके ऊपर आपका BM, फिर ये BC, ठीक है। सबग्रेड का काम क्या है? सबग्रेड का काम ये है, जब रोड पर, जैसे ये गाड़ी चल रही है रोड पर, ये ठीक है, ये गाड़ी है, इसका जो लोड आता है ऐसे, ये लोड सबग्रेड अपने ऊपर लेकर नीचे डिस्ट्रीब्यूट करता है। इस लोड को सबग्रेड अपने ऊपर लेकर इसको नीचे डिस्ट्रीब्यूट करता है। आप सबग्रेड को स्ट्रेस जोन भी बोल सकते हो, क्योंकि ये सारे रोड का लोड अपने ऊपर लेता है, ठीक है। तो इसको सबग्रेड बोलते हैं, और ये स्ट्रेस जोन का काम करता है, ठीक है दोस्तों। चलिए, हमारा वीडियो का पहला पॉइंट क्या है? पहला पॉइंट हमारा ये है MDD, यानी कि मैक्सिमम ड्राई डेंसिटीज की फुल फॉर्म है ये। 1.75 ग्राम पर सीसी, इससे अबव आपकी डेंसिटी होनी चाहिए, ठीक है। 1.75 ग्राम से ऊपर होनी चाहिए आपकी डेंसिटी, ये सिविल इंजीनियर को पता होनी चाहिए। दूसरा होता क्या है अपना, OMC। OMC की फुल फॉर्म क्या है? ऑप्टिमम मॉइस्चर कंटेंट, ठीक है। 9 से 11%, आपका 9% आ जाए, 10% आ जाए, 8 भी आपका चलेगा, ठीक है। लेकिन वैसे 9 से 11% के बीच बीच में आपका ऑप्टिमम मॉइस्चर कंटेंट आना चाहिए, जो उसका मॉइस्चर होता है मिट्टी का, ठीक है। ये दो बातें आपको पता लगी, पहले भी पता लगी, दूसरी पता लगी, ठीक है। तीसरी बात क्या है? तीसरी है, सबग्रेड मटेरियल शुड बी लेस देन 50 mm इन साइज। दोस्तों, ये सबग्रेड के जो मटेरियल का साइज होता है वो 50 mm से अबव नहीं होना चाहिए, 50 mm से कम ही होना चाहिए, ठीक है दोस्तों। ये भी आपका पॉइंट क्लियर हो गया, ठीक है। तीन पॉइंट क्लियर हो गए। चौथा पॉइंट क्या है? चौथा पॉइंट क्या है? FDD 97%। FDD की फुल फॉर्म क्या है? फेल्ड ड्राई डेंसिटी, ठीक है, यानी कि कंपैक्शन, घनता हिंदी में बोलते हैं, ठीक है, संघनापन। जो हमारी FDD करते हैं रोलिंग करने के बाद, वो हमारी 97% से अबव आनी चाहिए, 98-99% आनी चाहिए, ठीक है, 97% से ऊपर ही आनी चाहिए। अगर इससे नीचे आ गई तो आपका बेड फेल है, ठीक है। ये भी पॉइंट आपका क्लियर हो गया, चार पॉइंट क्लियर हो गए। पांचवा पॉइंट क्या है? सीवियर वैल्यू एज पर डिजाइन क्रिटेरिया, ठीक है। दोस्तों, जो अपना सीवियर होता है वो हमारा लोड के मुताबिक, ट्रैफिक के मुताबिक डिजाइन किया जाता है, ठीक है। ये सीवियर भी आपको पता होना चाहिए, ठीक है। ये आपको जोमेक्स फार्मूले में मिल जाएगा, ठीक है। ये लोड और डिजाइन के हिसाब से ही तैयार किया जाता है, ठीक है। पांचवा पॉइंट भी क्लियर हो गया, ठीक है। आगे छठा पॉइंट, छठा पॉइंट क्या है? स्वेलिंग इंडेक्स, जो आपकी स्वेलिंग इंडेक्स है वो 50% से कम आनी चाहिए, 50% से ऊपर नहीं आनी चाहिए। और LL क्या है? LL का मतलब है लिक्विड लिमिट, LL का मतलब है लिक्विड लिमिट है। लिक्विड लिमिट भी हमारी 50% से नीचे ही आनी चाहिए। और PI का मतलब क्या है?
प्लास्टिसिटी इंडेक्स ये हमारी है 25% से कम आनी चाहिए, 25% से ऊपर नहीं आनी चाहिए। ठीक है दोस्तों, ये भी आपको पता होनी चाहिए एक सिविल इंजीनियर को। ठीक है, सातवां पॉइंट क्या है, इफ सबग्रेड इज लेइंग ओवर ग्रेनुलर बेस इट शैल बी स्कैरिफाइड टू ए डेप्थ ऑफ 50 mm टू क्रिएट बॉन्ड बिटवीन देम। दोस्तों इसका मतलब ये है कि अगर आपका सबग्रेड कहीं ऐसी जगह पे आ रहा है जहां ग्रेनुलर बेस बना हुआ है, दोस्तों अगर आपका सबग्रेड ऐसी जगह पे आ रहा है जहां ग्रेनुलर बेस पहले से बना हुआ है, ठीक है, तो वहां पे आपको क्या करना पड़ेगा, आपको पहले उसको स्कैरिफाई करना पड़ेगा 50 mm डेप्थ तक। ये 50 mm डेप्थ लिखी हुई है यानी कि 2 इंच, आपको 2 इंच उसको स्कैरिफाई करना पड़ेगा। स्कैरिफाई करके तब उस पर आप सबग्रेड बना सकते हो, क्योंकि जब स्कैरिफाई आप करोगे तो ग्रेनुलर बेस का और आपका सबग्रेड का दोनों का बॉन्ड बहुत अच्छा बन जाएगा। ठीक है, सात पॉइंट क्लियर हो गए। आठवां पॉइंट मेरा आठवां पॉइंट क्या है, लेवल टॉलरेंस प्लस 20 माइनस 20। जब हम सबग्रेड में लेवल देते हैं तब रोलिंग करने के बाद जो हमारा बेड तैयार होता है उसमें लेवल कहीं अप डाउन रह जाता है, तो वो जो हमारा लेवल होता है वो प्लस माइनस 20 mm प्लस 20 mm माइनस चलता है, इससे ज़्यादा आपका बेड अप डाउन नहीं होना चाहिए। ठीक है, ये भी पॉइंट क्लियर हो गया। ये इंटरव्यू में पूछे जाते हैं क्वेश्चन, ये ध्यान से देखना इस वीडियो को। नौवां क्वेश्चन, लेयर थिकनेस नॉट मोर देन 0.200। ठीक है, जो दोस्तों हमारा सबग्रेड होता है, ठीक है, अब ये देखिए ये हमारा सबग्रेड है, सबग्रेड हमारा कितने का होता है, 500 का। ठीक है, अब 500 के आप एक बार में तो लेयर इकट्ठे डालोगे नहीं, आप इसको तीन लेयरों में बांट दोगे, पहली लेयर, दूसरी लेयर, तीसरी लेयर। ठीक है, तो अगर मान लो ये पहली लेयर आपकी 150 की है, दूसरी लेयर भी आपकी 150 की है, तीसरी लेयर आपकी 200 की होगी, तीन लेयरें आ गई ना, तो तीन लेयरों में आप कंपैक्शन करना। क्यों, जब हम 200 की जो हमारी लेयर होती है, अगर हम 200 से ज़्यादा कंपैक्शन करते हैं तो हमारी कंपैक्शन 100% कंप्लीट नहीं होती। ठीक है, रोलर हमारा 200 से ज़्यादा लेयर को कंपैक्शन नहीं करता, इसलिए हम 200 से ज़्यादा कंपैक्शन नहीं कर सकते और 200 से ज़्यादा हम लेयर नहीं डाल सकते। अगर हमारे पास 500 है तो तीन लेयरें करनी पड़ेगी, अगर हमारे पास 400 है तो आपको दो लेयरें करनी पड़ेगी। ठीक है दोस्तों, ये बात ध्यान रखना, ये पॉइंट आपका क्लियर हो गया। ठीक है, दसवां पॉइंट क्या है, इफ एग्जिस्टिंग सरफेस इज बिटमेंस और सीमेंट कंक्रीट डैट शैल बी रिमूव कंप्लीटली। अगर आपका जो बिटमन का सरफेस है, अगर आपके पास जो पहले से जो रोड बना हुआ है या कोई सीमेंट का कंक्रीट का कोई रोड बना हुआ है उसके ऊपर अगर आपको सबग्रेड करना है तो पहले आपको उसको सारे को रिमूव करना पड़ेगा, मतलब उसको बाहर निकालना पड़ेगा, चाहे वो आपका बिटमेंस का रोड है चाहे वो आपकी सीमेंट कंक्रीट है, वो सारा आपको बाहर निकाल के फेंकना है, उसके बाद आपको सबग्रेड करना है। ऐसा नहीं कि उसके ऊपर ही आप सबग्रेड कर दो, नहीं, उसको बाहर निकाल के ही आपको सबग्रेड करना पड़ेगा। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ आपको ये मेरी टेक्निकल बातें समझ आ गई होगी, और दोस्तों इन बातों को कभी बोलना मत, ये आपके फील्ड वर्क में भी काम आएगी। ठीक है, ये आपके फील्ड वर्क में भी काम आएगी। ठीक है, पहला पॉइंट, और दूसरा ये आपके इंटरव्यू में भी काम आएगी। ठीक है, तो ये चीज़ें दिमाग में रखना, ये चीज़ें लेकर चलोगे तो ज़िंदगी में कभी भी मार नहीं खाओगे कहीं पे भी। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी, अगर मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक और शेयर करें, मुझे और कुछ नहीं चाहिए। जितनी मेरे को नॉलेज है मैं नॉलेज आप सबके साथ शेयर करता रहूँगा। थैंक यू दोस्तों।